साथियों हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि BTSC ANM के फाइनल काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे ANM सिस्टर आज गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के मांग को लेकर के ये लोग बैठने वाले हैं। तो क्या कुछ हुआ आज गर्दनी बाग में, BTSC के ANM काउंसलिंग को लेकर के गर्दनी बाग में क्या हुआ, अब कब तक इनके फैसले आएंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सब कुछ। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे ये फिगर, ये आपको गर्दनी बाग की ही फोटो है जहां पर ये लोग अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब सरकार कब तक इन लोगों को सुनती है, क्या निर्णय लेती है, वो बात तो हम लोग को देखने वाले होंगे ही। फिलहाल आपको हम बताते हैं कि मीडिया कर्मी से ये लोग जब बात की तो क्या इन लोगों की मांग कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए देखिए इस मीडिया कर्मी के माध्यम से जो बातचीत हुआ उन सिलसिले को। क्या कारण है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं आप? बस हम लोग का नाम है कि हम लोग अभी 10 मंथ से हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, काउंसलिंग का डेट अभी तक आया नहीं, स्क्रूटनी में नवा चुका है लेकिन काउंसलिंग का अभी कोई सुनवाई नहीं, कब तक काउंसलिंग होगा? तो हमारी मांगे बस पूरी की जाए, सरकार जो वादा किया है वादा पूरा करे। जॉब देने की बात की गई और जॉब नहीं मिली? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। काउंसलिंग का डेट मतलब फरवरी से ही अगले मंथ करते करते अभी अक्टूबर मंथ आ गया। डेट बाई डेट चेंज ही करता जा रहा है ना, कभी अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो कब तक इंतजार करें? लास्ट मोमेंट पे ये सुनने को मिल रहा है कि अब एग्जाम होगा, तो सरकार को एक साल बाद सुनने को मतलब कान में सुनाई दे रही है कि एग्जाम होगा। तो हम लोग का मांग यही है कि कुछ भी हो बस प्रोसेस आगे किया जाए इसका। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। एक साल का जो बात किया गया था कि जॉब देंगे लेकिन जॉब नहीं दिया गया, जिसके विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए क्या कुछ कारण है? हम लोग को नियमित करना है, संविदा कर्मी पर हम लोग 10-7 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग को नियमित करना है। ऑनलाइन मतलब वैकेंसी निकला था उसमें अप्लाई भी ऑनलाइन कर लिए, उसका रिजल्ट काउंसलिंग कराना है हम लोग को। जो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, साल भर हो गया हम लोग को। क्या मेरिट लिस्ट भी लिख में हम लोग का नाम भी आ गया कि मेरिट लिस्ट भी हो गई कि जहाँ हम लोग को काउंसलिंग कराया जाएगा, और काउंसलिंग के एन वक्त पर जो डेट भी निकाला गया उसको फिर रद्द कर दिया गया। लगातार इस तरह से सरकार कर रही है, क्या कहें सरकार की, क्या कहें सरकार को, हम लोग अपने धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों की जो है हम लोग पर सोचा जाए, विचार किया जाए। नर्स एक अहम कड़ी होता है डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर का हेल्प करता है, उसमें आप कह सकते हैं कि हेल्प नहीं मिल रहा है और काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पटना के गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये लोग आए हुए हैं अपने जॉब के लिए। नर्स एक अहम मुद्दा रहता है, अहम पार्ट रहता है डॉक्टर को हेल्प करने के लिए, और आपको जॉब का इस तरह से समस्या झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार हम लोगों को मांगी को पूरा करें और जल्द से जल्द काउंसलिंग करा करके हम लोग को योगदान दे।